नागपुरात 3 ऑक्टोबर 2022 रोजी आंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त धम्मचक्र प्रवर्तक दिनाच्या पावन पर्वावर 3 ऑक्टोबर रोजी आंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून या परिषदेत देश विदेशातून जवळपास 2000 प्रतिनिधी उपस्थित राहतील अशी माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली आहे. नागपुरात 3 ऑक्टोबर रोजी आंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून या परिषदेत देश विदेशातून जवळपास 2000 प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. समता, बंधुता, स्वतंत्रता व न्यायमूल्यांच्या प्रस्थापनेसाठी त्यांची प्रासंगिकता ही भर परिषदेची विषय संकल्पना आहे. सदर परिषदेचे उद्घाटन दिनांक 3 ऑक्टोबर 2022 रोजी सकाळी 11:30 वाजता सुरेश भट सभागृहात आयोजित करण्यात आले आहे. या परिषदेला मार्गदर्शन करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रमुख अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे. या परिषदेत अनेक अतिथी उपस्थित होते. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त धम्मचक्र प्रवर्तक दिनाच्या पावन पर्वावर हे आयोजन करण्यात आले आहे अशी माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. इसका एक ही मकसद है कि जो बाबा साहब के विचार हैं, जो हमारे प्रीएम्बल में चीजें लिखी हैं, समता की, फ्रेटर्निटी की, सोशल इक्वालिटी की, वो जो सारे विचार हैं वो हमारे देश के कोने कोने तक जाए, ना केवल हमारे देश के बल्कि वर्ल्ड के कोने कोने में जाए. इसीलिए इंटरनेशनल लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है, इसीलिए ये धम्म परिषद यहाँ पर अच्छे पैमाने पर रखी गई है. अब समय आ गया है, जो चक्का स्लो चल रहा था रिवाइवल के बाद 1956 के बाद, उसकी गति धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है. लोगों में जागरूकता आ रही है, भारत में भी और भारत के बाहर भी. भारत के बाहर के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि बुद्धिज्म जो है, धम्म जिसकी आप बात करते हैं, आपका राष्ट्र जो बौद्ध राष्ट्र है, वो धम्म जो है आपको भारत से मिला है. आज भारत में 1% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है इसकी टोटल पॉपुलेशन की, लेकिन 35% बाबा साहब को मानने वाली है. वीकेबी न्यूज साठी कैमरा पर्सन रोशन बोकडे सह वैदेही चव्हाण यांची रिपोर्ट. नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना. और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना. मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले.